भारतीय टीम जब आज एशिया कप में करो या मरो के सुपर चार मुकाबले में श्रीलंका के सामने होगी तो उसे अपने गेंदबाजों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जरूरत होगी, उसे ज्यादा प्रयोग से भी बचना होगा। चोटिल रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारत के पास गेंदबाजी विभाग में खिलाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। दरअसल भारत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 5 गेंदबाजी विकल्प के साथ खेला था और ये फैसला टीम के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि भुवनेश्वर का दिन अच्छा नहीं रहा। अब पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए और ऐसा ही युजवेंद्र चहल के साथ भी हुआ, जो टूर्नामेंट में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। आज होने वाले मुकाबले में वो छठे गेंदबाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले मैच में दीपक हुड्डा खेले थे लेकिन उनसे बोलिंग नहीं कराई गई। वहीं 5 गेंदबाजों की थ्योरी में हार्दिक के 4 ओवर काफी अहम हो जाते हैं। यदि उनका स्पेल गड़बड़ा जाता है तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में हार्दिक के अलावा यदि 11 में 3 और पेसर हो तो हार्दिक पर दबाव कम होगा और वो अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकेंगे। अक्षर पटेल को टीम में संतुलन प्रदान करने के लिए अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें जडेजा की जगह बुलाया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अस्वस्थ थे, वो तीसरे विशेषज्ञ के तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में वापसी कर सकते हैं। वहीं हेड कोच राहुल द्रविड़ ने जोर दिया था कि भारत वर्ल्ड कप से पहले अपने सर्वश्रेष्ठ अंतिम 11 के साथ खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम का प्रयोग करना अभी भी जारी है। टीम में ऋषभ पंत बनाम दिनेश कार्तिक की बहस जारी है। कार्तिक को पहले 2 मैच में मौका मिला लेकिन उनके हिस्से सिर्फ 1 गेंद आई और फिर तीसरे मैच में उन्हें मौका नहीं मिला। पहले पंत की जगह कार्तिक को शामिल करना और फिर बिना मौका दिए कार्तिक को बाहर करने का फैसला अभी भी बहस का विषय बना है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में टीम मैनेजमेंट ने दीपक हुड्डा को खिलाया। दीपक बल्लेबाजी करने के साथ साथ ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ उनसे गेंदबाजी ही नहीं कराई, जिनसे सभी को हैरानी हुई। टीम के गेंदबाज विफल हो रहे थे और सभी मान रहे थे कि हुड्डा की ऑफ स्पिन टीम को शायद कुछ ज्यादा फायदा पहुंचा देती, लेकिन कप्तान रोहित रणनीति में कहीं चूक कर गए। वहीं सुपर चार के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया है और भारत के खिलाफ जीत से उसका फाइनल का टिकट पक्का हो सकता है। भारत के पास अब 2 मैच बचे हैं और दोनों ही मैच उसे जीतने होंगे। अंक तालिका में टीम इंडिया फिलहाल तीसरे पायदान पर है और उसका नेट रन रेट माइनस में है। पाकिस्तान और श्रीलंका के नेट रन रेट प्लस में है। भारत को जीत के अलावा अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा। यदि श्रीलंका ये मैच गवा दे लेकिन अगले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दे तो फिर श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान तीनों के खाते में 2-2 जीत हो सकती है। ऐसे में फिर मामला नेट रन रेट पर अटक सकता है। ऐसे में आज के मुकाबले में अगर भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा, केएल राहुल कर सकते हैं पारी की शुरुआत। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 5 नंबर पर दिनेश कार्तिक, 6 नंबर पर दीपक हुड्डा, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 नंबर पर रशदीप सिंह, 9 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और 10 नंबर पर रवि बिश्नोई खेलते नजर आ सकते हैं। देखना होगा कि भारत किस तरीके से गेम खेलता नजर आएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।